वीर ग्रंथ आला खंड के एपिसोड 114 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा वापस अपने तंबुओं में लौट आती है और अपनी सखियों को इंदल के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि किसी भी तरीके से इंदल के साथ मेरा विवाह होना चाहिए और हमें ऐसा कोई तरीका दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका अपहरण कर लेते हैं जादूगर की। ये बात जब उसकी सहेली महाजादूगरनी थी उस नटनी ने सुना तो वो नटनी कहने लगी कि मैं अवश्य तुम्हारा साथ दूंगी और उसका अपहरण कर लाएंगी, इसलिए समस्त सखी एक साथ नौका विहार करने के लिए चलती है। तो अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा इंदल का हरण करने के लिए अपनी सखी नटनी को साथ लेकर के नौका विहार करने के लिए माता गंगा के तट पर आ गई और इंतजार कर रही है इंदल का कि इंदल भी नौका विहार करने आए। उधर रानी मछला, इंदल, उदल और ढेवा ये तीनों मन में विचार करने लगे कि हम भी माता गंगा में नौका विहार करने के लिए चलते हैं। तो उधर से उन्होंने भी एक नाव ले ली और उस नाव में सभी बैठ जाते हैं, उदल, इंदल, ढेवा और मछला रानी, ये सभी नाव में बैठ करके नौका विहार कर रहे हैं। और उधर से अभिनंदन की पुत्री वो भी नौका विहार कर रही है नाव में, लेकिन नौका विहार तो उसका एक बहाना था, वो तो इंदल का हरण करने के लिए पहले से ही तैयार है कि जब इंदल नजर आ जाएगा तो इंदल को मैं हरण कर लूंगी। अब सुनिए, इतना कह के संग सहेली हेली तुरंत वहीं तैयार, ले अलवेली संग सहेली आई देखन गंग बहार। अभिनंदन की पुत्री अपनी सहेलियों को लेकर के गंगा की बहार करने के लिए आ जाती है, गंगा की सैर करने के लिए आ जाती है। उदल, इंदल, ढेवा ठाकुर तीनों गए तहां पर आए, नाव मंगायो मल्लाहंते बैठो सुमर शारदा माए। उधर उदल, इंदल, ढेवा ये भी नौका मंगा करके, मछला भी उनके साथ है और गंगा में विहार करने के लिए बैठ जाते हैं चारों। बैठी नावन में चित्ररेखा, बेटा नटियन केर बनाए, कहा बता मैं हम लेखा ते देखा रूप नहीं है भाई। अब रेखा चित्ररेखा को लेखा काम देव की नार, उठे तरंगे तह गंगा की जंगा करें बारिशों बार। जब आगे बढ़ी चित्ररेखा तो कुछ विहार करने के बाद उधर से उदल, इंदल, ढेवा और मछला की नाव भी चली आ रही है और उनकी नौका भी चली आ रही है। विचार करने लगी, अपनी सहेली से कहने लगी कि ये जो राजकुमार बैठा हुआ है इसका हरण करना है, इंदल को बता देती है। और वो नटनी महाजादूगरनी थी, विचार करने लगी कि जहां ज्यादा जल की धारा होगी उस जल धारा में नाव को उसके पास में लगा दिया, मलाह को इशारा दिया और नाव जिसमें इंदल सवार था उस नाव के बगल में लगा दी। और जैसे ही पानी का बहाव तेज था, जादू पढ़कर के नटनी ने अपनी जादू की पुड़िया निकाली, जादू का जो झोला था वो निकाला और पढ़कर के उस नाव पर चला दिया। लेके पुरिया भैरों वाली, उदल ऊपर दीनी डार, वीर मोहम्मद की पुरिया को ढेवा ऊपर चलावा नार, नजर बंद भई जब दोनों की तुरत इंदल लियो उतार, सुआ बनायो सो इंदल को पिंजरा लीन तड़ा का डार। और जब नाप बराबर आई तो जादू लेकर के, जादू की पुड़िया लेकर के भैरों के मंत्र को अभमंत्रित किया उदल पर छोड़ दिया, दूसरा मंत्र अभमंत्रित किया मछला पर छोड़ दिया और तीसरा मंत्र अभमंत्रित किया ढेवा पर छोड़ दिया और इंदल पर मंत्र का प्रहार किया, उसे अपनी नाव में डाल लिया। और उस नटनी ने, महाजादूगरनी थी, कहा जाता है इंदल को तोता बना लिया और तोता बना करके सुआ बनायो सो इंदल को पिंजरा लीन तड़ाका डार, उतर के नावन सो जल्दी सो तंबुन गई तड़ाका आए, उतरी जादू जब उदल की तब नहीं इंदल परे दिखाए।
उन्होंने इंदल को तोता बनाया, नाव को मल्हा से इशारा दिया कि किनारे पर लगाओ, मल्हा नाव को किनारे पर लाया और तुरंत उस नाव में से उतरी सहेलियों सहित। चित्ररेखा उतर जाती है, इंदल सुआ बना हुआ है, तोता बना हुआ है और पिंजरे में कैद है और उसको अपने तंबुओं को ले जाती है। जब कुछ समय बाद मछला इंदल, मछला उदल और ढेवा को होश आया, विचार करने लगे, मल्हा से पूछने लगे कि मल्हा क्या हुआ, क्या नौका कहीं भमर में फंस गई। अब मल्हा भी कुछ नहीं कह सका, मल्हा को भी होश नहीं था, कहने लगा लगता तो ऐसा ही है क्योंकि हमारी नाव ज्यादा जल में आ गई और यह भमर था इसलिए कुछ दिमाग चकरा गया और पता नहीं चला। उदल कहने लगा हम तो बह जाते, परंतु जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव में इंदल नहीं था, इंदल नहीं दिखा तो घबरा गया, कहने लगे कि इंदल कहां गया। मन में विचार किया कि यहां जो गंगा का भमर पड़ रहा था पानी का, हो सकता है उसमें इंदल गिर गया हो, क्योंकि नौका थी जो उथल पुथल हो गई थी मंत्र के प्रहार से और उसी का फायदा उन्होंने उठाया और वो इंदल का हरण कर ले आई। उदल के मन में यह शंका हुई कि इंदल इस नदी में गिर गया, माता गंगा में गिर गया, और यही शंका मछला के मन में हुई। उदल ने तुरंत वहां उपस्थित वीरों को बुलाया जो तैराक थे उनको, और उनसे कहा कि इसमें हमारा पुत्र गिर गया है, जार मंगाए तहां लोहे के, सो गंगा में दिए डराए, कच्छ मच्छ बहुतक फंस आए, पर नहीं इंदल परे दिखाए, तिल तिल ढूंढा भुई मेला में, उदल ढेवा संग लेवाए, पता न पायो जब इंदल को, तम्बुन फिर पहुंच गया है। उदल ने अपने सैनिकों को खबर की, सूचना भिजवाई और बहुत से तैराकों को बुलाया और उस माता गंगा के जल में जाल डलवा दिए। जाल डलवाए तो उसमें कुछ नहीं आया, जो जलीय जीव थे एक दो वो फंस गए, लेकिन इंदल का तो वहां कोई अता पता नहीं था। संपूर्ण माता गंगा के जल में खोजने के बाद काफी दूरी तक, कोसों के क्षेत्र तक गंगा जी के जल में इंदल को खोजा, लेकिन इंदल का कोई पता नहीं लगा। और जो मेला था उस मेले की संपूर्ण भूमि में सैनिकों से कहा कि कहीं कोई भूल से इंदल किसी दूसरी नौका में बैठ गया हो, परंतु ऐसा भी कुछ नहीं था। संपूर्ण माता गंगा में कोसों दूर तक खोजने के बाद उदास मन से तंबुओं में आ गए और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, पता ना पायो तब इंदल को, तंबुन फिर पहुंचे आए, कई हकीकत तब माहिल ते नाहर उदय सिंह तब गाए। सुनके बातें उदय सिंह की माहिल बोले बचन बनाए, अंदेशा कछु जिए रे मैं ना, आलय धाव वहां समझाए, जादू करके को इंदल को सांचो लियो बना फर राय। जब उदल अपने तंबुओं में आया तो अपने मामा माहिल के पास पहुंच गया और माहिल से कहने लगा कि मामा जी, इंदल को हमने संपूर्ण जल में खोज लिया, नौका में हम जब विहार कर रहे थे तो इंदल न जाने कहां गायब हो गया, हो सकता है गंगा जी में बह गया और हमने खूब खोजा लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। जब ये बात उदल की माहिल ने सुनी तो मुंह बना करके कहने लगे, उदल चिंता मत करो, मैं आला को समझाऊंगा, क्योंकि किसी स्त्री ने इंदल को जादू से हरण कर लिया है, यह निश्चित मानिए। घरते है कि फिर तुम ढूंढो, यहां ते कूच देव करवाए, और ऐसा करो अब तुम महोबा चलो, यह सूचना महाराज परमाल को और आला को देंगे और तब घर पहुंच करके महारानी मछला को वहां छोड़ेंगे और उसके बाद इंदल का पता लगाएंगे, इंदल कहां गया। उदल को विश्वास नहीं हो रहा है और फिर बार बार माता गंगा जी के जल में जाल डलवा रहा है, खोजने का प्रयास कर रहा है लेकिन इंदल का कोई पता नहीं चल रहा है। संपूर्ण बिठूर के घाट पर हाहाकार मचा हुआ है, 15,000 सेना थी महोबे की, 15,000 सैनिक रो रहे हैं, खोज रहे हैं इंदल को लेकिन कोई पता नहीं है। अब
जब कोई पता नहीं लगा, खोज करके हार गए, तो विचार किया कि अब महोबे को चला जाए। इतना सुन के उदय सिंह ने डंका कूच दियो करवाए। 5 रोज को धावा करके पहुंचे गढ़ महोबे में आए। उदल ने विचार किया कि अब महोबा को चलना चाहिए और इसकी सूचना महाराज परमाल और भाई आला को देनी चाहिए। ऐसा विचार करके वहां से सेना को आदेश दिया कि कूच किया जाए महोबे के लिए। सेना महोबा को चल देती है और 5 रोज का धावा करके, 5 रोज चलने के बाद सेना गढ़ महोबे में आ जाती है। परंतु उधर देखिए, उदल रह गए एक कोस में, माहिल गए अगारी धाए, बड़ी खातरी आला करके अपने पास लियो बैठा है। आला जो माहिल था बड़ा चालाक था, चालाकी से काम कर रहा है। उदल तो निराश था, पुत्र के शोक में था क्योंकि इंदल नहीं मिला, और माहिल इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। दौड़ करके आला के पास पहुंच जाता है। जब तक उदल की सेना एक कोस दूर रह गई और वो अपनी लीली घोड़ी पर बैठ करके पहुंच जाता है आला के दरबार में। आला ने जब माहिल को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उसको बड़े उचित सम्मान के साथ आसन पर बैठाया। आला बोले, तह माहिल ते मामा हाल देव बतलाए, उदल ढेबा इंदल बेटा तीनों रहे कहां पर आए। आला बोले कि हे मामा माहिल, ये बताओ कि उदल ढेबा इंदल ये तीनों कितनी दूरी पर हैं, कहां आ पहुंचे हैं। हम नहीं देखत इन तीनों को, ताते चित बहुत घबराए। इतना सुन के माहिल बोले, सांची सुनो बना फर रहा है। आला कहने लगे, इन तीनों को 10 से 20 दिन हो चुके हैं, इसलिए हम बड़े परेशान हैं क्योंकि आला का चित घबरा रहा है। जब कोई आपत्ति काल होता है तो उसका पूर्व आभास हो जाता है, तो आला भी पूर्व आभास कर रहे हैं, परंतु आला को हकीकत पता नहीं था। इतनी बात सुनकर के माहिल कहने लगे, सत्य बात तो यह है वीर आला, ख्याल निवारा गए नदिया में, उदल इंदल साथ लिवाए, उदल ढेवा एक मिल है के और इंदल को दियो बहाए, टर्जा टर्जा माहिल मामा धरती खोद लौंगड़वाए, ऐसी बातें फिर बोले ना ठाकुर सांच दीन बतलाए, है मर्दाना उदल वाना मामा कहां गए बौराए। अब भड़का रहा है माहिल वीर आला को, कहने लगा कि आला कुछ कहा नहीं जाता, उदल ने और ढेबा ने मिलकर के तुम्हारे पुत्र इंदल को गंगा जी के तट पर समाप्त कर दिया, मेरे सामने उसका मस्तक काट करके अलग कर दिया और उसको गंगा की धारा में बहा दिया, और फिर खोजने का बहाना बनाया और इंदल को, ताकि आपको यह पता ना चले कि इंदल को उन्होंने मारा है, और खूब उस गंगा जी के जल में खोजने का प्रयास किया, परंतु मेरे देखते देखते उन्होंने पुत्र का शीश काट करके गंगा जी में बहा दिया। ये बात माहिल की आला ने सुनी तो आला क्रोधित हो उठे, कहने लगे, तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे पृथ्वी में खोद करके गड़बा दूंगा। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उदल वीर है, तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये बात सुनकर के माहिल फिर बोले, इतना सुन के माहिल बोले, सांची कहूं बना पर राय, पोथा पढ़ के धर दीनों सब, अकल तुम्हारी गई हिराए, कौन अदावत नल पुष्कल की, भारत पढ़े बना फर राय, कैसी दुर्दशा नल की कीनी, पुष्कर नल को जुआ खिलाए। कहने लगे कि तुम नहीं जानते, तुमने संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ लिया, तुम बड़े विद्वान हो आला, तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक राजा नल हुआ था और राजा नल का एक भाई था पुष्कर, पुष्कर ने जुआ में राजा नल से संपूर्ण राजपाट छीन लिया था। तुमने क्या कौरवों की दास्तान नहीं सुन रखी है, दुर्योधन ने जुआ में पांडवों से सब कुछ छीन लिया, स्त्री तक का हरण कर लिया, तुम ये नहीं जानते। इतना सुन के आला ठाकुर गरवी हाँक दीन ललकार, टर्जा टर्जा उरही वाले
तोरे चुगलन का वो पार। फिर आला को क्रोध आया और माहिल को ललकारा, अरे दुष्ट माहिल तू क्या चुगली कर रहा है, यहां से चला जा, तेरा काम चुगली करने का है। साची साची आला ठाकुर तुमरो इंदल गयो हिराए, कहो असाचा आला ठाकुर साचा सहो पुत्र का घाय, करो दिल्लगी अस कबहू ना साची सुनो बना फर राय। उदल ढेबा उदल बोले वह ढेबाते हमरो चित्त बहुत घबराए। अब देखिए आला बार बार कह रहा है आला से, माहिल बार बार कह रहा है आला से कि आला तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम अपने भाई पर भरोसा किए हुए हैं, परंतु यकीन मानिए कि मेरे सामने तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, तुम्हारा पुत्र गंगा में बहा दिया गया, अब तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में नहीं है। उधर का हाल सुनिए, उदल वह ढेबा से कह रहे हैं कि हे ढेबा अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, दशहर पूर्वा माहिल पहुंचे, कैसी खबर सुना मैं जाए, हमसे पहले माहिल भाई आला के पास पहुंच गए, अब ना जाने वो क्या करेगा, पुत्र शोक सम दुख दूसर ना जानत गाथ भली तुम भाई, पुत्र शोक सो दशरथ मरगे कीरत रही जगत में छाए। हे देवा उदल कह रहा है कि पुत्र का शोक बहुत बड़ा दुख होता है, इसमें महाराज दशरथ जैसे ने प्राण त्याग दिए तो फिर आला का क्या बनेगा, आला को कैसे समझाएंगे, क्या किया जाए। बड़े शोक संतप्त उदल और ढेबा मन में विचार कर रहे हैं कि हे ढेबा मेरा मन बहुत व्याकुल है, आला के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, आला ने मुझसे पहले ही मना किया था